गाइस फाइनली मैंने एक्वेरियम ले लिया है और ये दो मछलियाँ भी लिए मैंने, ये दोनों, बाकी अपने पास जो चार है वो भी इनमें रखूँगा। मैंने अभी इनको थोड़ा डाल दिया इस वाले पानी में टेम्परेचर सही होने के लिए। वो रही हमारी चारों मछलियाँ, पता नहीं कैसे रबड़ बन रहा है इसमें। ऊपर से निकाल पहले। तो गाइस अभी इनको निकाल दे, अभी डाल दो पानी में, देखते क्या होता है, लड़ाई होगी या नहीं। चलो गई ये दोनों पानी में। देखो ये वाली घेरी, वो वाली गोरी। तो गाइस फाइनली सेटअप कर दिया अपन ने, ये देखो यहाँ आएगी अपनी सारी फिशेस, एकदम मस्त बैठी है। और ऊपर से दिखा देता हूँ, ऊपर सही एकदम फिट हो गया, मस्त लग रहा है एक्वेरियम। इसको देखो लगा। इस तो मैं निकल चुका हूँ घर से, मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ मछलियों के लिए हीटर और वो पंप लेने के लिए, क्योंकि ना मछलियों को विदाउट उसके एक्वेरियम में रखना ना भारी पड़ रहा है। एक मछली तो ऑलमोस्ट अधमरी हालत में हो गई थी, उसको कैसे भी करके अभी गर्म पानी में रखा तो वो थोड़ा सही हो गया ना। मैं इसलिए हीटर लेने जा रहा हूँ ताकि उनका पानी वानी थोड़ा गर्म रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, वरना मर गई तो भाई दुख हो जाएगा मेरे को, क्योंकि अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है, मतलब कल रात में मैं एक्वेरियम लेके आया हूँ और आज सुबह सुबह ये सब सीन हुआ है, तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उठ के जा रहा हूँ लेने के लिए। मेरा इस बहुत ठंड है इसलिए मैंने टोपा पहन रखा है, सही लग रहा है ना। चलो गाइस अभी तुमको उस शॉप पे चल के दिखाऊंगा कितनी सारी मछली है, ठीक है, बाकी तुमको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। भाई उनके लिए ना फिल्टर और हीटर लेने गया था, मैंने फाइनली ये खरीद तो लिया है, फिल्टर और हीटर दोनों चीज़ें खरीद के लेके आ गया हूँ। अभी जल्दी से घर पे लेके जाता हूँ और दोनों को फिट करता हूँ और जल्दी से उन दोनों मछली को पानी में डालूंगा, अभी तो गर्म पानी में रख रखा है उनको मम्मी ने। चलो गाइस घर पे चल के देखते हैं क्या हालत है अभी मछलियों की। तो गाइस ये फिल्टर मेरे को पड़ा 400 रुपए का एक और हीटर पड़ा 300 रुपए का, बाकी दो मछली और ली है। तो गाइस घर पे लाने के बाद इन दोनों को तो मैंने इसमें डाल दिया, इसमें टोटल चार मछलियाँ हो गई, जो दो कल लाया था वो और जो दो आज लेके आया हूँ वो, ठीक है। ये देखो कितनी मस्त है, सारी चारों अलग अलग कलर की है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है और पिंक है, बढ़िया लग रही है ना ये वाली। और ये अपना बड़ा वाला एक्वेरियम, ये अपनी कोई, ठीक है, और वो दो गोल्ड फिश और अपना गोरामी फिश, ये भी इसको गोरामी बोलते हैं, वाइट गोरामी। चलो गाइस इनको अब पहले निकालना पड़ेगा इन सबको, और इसमें डालूंगा फिर हीटर वीटर सेटअप करते फिर वापस से सबको उसमें डालेंगे। जब तक के लिए गाइस अगर वीडियो रिकॉर्ड कर पाए तो करता हूँ, वरना डायरेक्ट दिखाऊंगा तुमको। फाइनली पूरा घर में बिखेरा करने के बाद ये हमारा हीटर और पंप चालू हो चुका है, बहुत सही तरीके से रेडी किया मैंने अभी, और नया पूरा पानी नया भरा है वापस से, अभी फिल्टर पूरा साफ कर देगा इसको। गाइस फाइनली ये हीटर तो ऑन पड़ा है इसमें और पानी गर्म हो चुका है, मतलब गर्म बोले तो मीडियम मीडियम। अब अपने को इसमें से एक एक करके सबको निकालना है और इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो देखता हूँ मैं वीडियो बना तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अकेला होना है और कोई है नहीं कैमरामैन मेरे लिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जल्दी फोकस करो, कितनी सारी मछलियाँ हमारे पास अब। ये देखो येल्लो कलर की, सारी कलरफुल है सारी। चलो गाइस मैं एक बार इनके अंदर डाल के फिर दिखाता हूँ तुम्हारे को।
तो गाइस अभी हमको श्रीराम मंदिर में से, मतलब जो अभी होने वाला है ना उद्घाटन श्रीराम मंदिर का, उनकी तरफ से ये इनविटेशन आया। आई गेस सबको ही आएगा ये तो, बट हमारे तो अभी आ गया। तो गाइस मेरे पास एक लाइट पड़ी थी, एमरजेंसी लाइट, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। मस्त लग रही है अभी, इसमें सब लाइट वगैरह सब आ रही है, कितनी क्यूट सी लग रही है ना। ये देखो इसको, बहुत छोटी है पता है, इसमें तो फिर भी थोड़ी बड़ी दिख रही है, बट बहुत छोटी सी है ये गोरामी फिश। तो गाइज कितना मस्त लग रहा है अभी, देखो ब्लू लाइट में कितना मस्त लग रहा है ये, अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है ना रूम। ये देखो चलो गाइज मैं थोड़ा सामान लेने मार्केट जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ तुमको थोड़ी सी देर में। गाइज देखो चांद दिख रहा है, बोलते ना सैमसंग में दिखता है, इसमें सब दिखता है। ये देखो यहाँ पे सूरज, और ये देखो हम कहाँ पे हैं, पहाड़ों के बीच में। तो पूरा पूरा एरिया दिखाता हूँ तुमको, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, कितना मस्त एरिया है। गाइस ब्रेड खिला रहा हूँ मछलियों को, ये देखो गोल्ड फिश भी इधर देखना अभी आएगी, एक बड़ी वाली गोल्ड कोई है इधर, ये देखो कितनी बड़ी है, देखा ये देखो कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है देख, ये गोल्ड देखो, ये रही गोल्ड फिश। अभी गोल्ड फिश ऊपर आएगा ना जब दिखाऊंगा। ये आगे देखो पूरा पूरा कैप्चर कर लिया इसको एक बार में। इस बार ये देखो कैटफिश, कैटफिश कितनी बड़ी है देखो, ये अपनी ऑस्कर गोल्ड फिश भी इधर ही कहीं पे घूम रही है, वो देखो वो रही दिखे पानी के अंदर, बहुत बड़ी। देखो गाइस झुंड बन चुका है यहाँ पे, इनको 4K में दिखाता हूँ, देखो दिखे एकदम क्लियर। तो तुमको गोल्ड दिखाऊं ना, गोल्ड फिश रुको यार ऊपर आने दो तुम, ये देखो ये कब से यहीं बैठी है शांत, प्यारी बच्ची, शांत बच्ची, इसका मुंह कितना बड़ा देखो एक बार, लाइन से है एकदम लाइन से एंड तक है। और गोल्ड फिश है मेरे को दिखते रही, वो देखो वो रही उधर साइड पे, वो देखो दिख रहा है वो उसके अंदर, उसको एक बार इसको ऊपर आने दो फिर दिखाऊंगा। तो गाइस इतनी देर से मैं देख रहा था ये साहब इधर से उधर चक्कर लगा रहा, इसने शायद मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, ये आंटी जैसे उठी वो अंदर भाग गया। पूरा सेटअप अच्छे से हो गया, ये एकदम खुश है सारी मछली, देखो कितने मस्त मजे से चल रही है आप, और टेम्परेचर बहुत सही है यार, 28 डिग्री पे रख रखा है टेम्परेचर, दिख रहा होगा देखो 28 डिग्री पे रखना चाहिए और एकदम सही है टेम्परेचर। गाइस बहुत थक गया हूँ मैं, अब थोड़ी देर सोऊंगा, पूरा व्लॉग एडिट करके कल तक तुमको मिल जाएगा। अभी के लिए बाय बाय।